नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अंकुश शर्मा, पशु विशेषज्ञ, और आप देख रहे हैं पशुपालन की बात ई फीड के साथ। तो चलिए आज हम बात करते हैं, हमारे साथ में एक पशुपालन करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने कई सालों से पशुपालन के व्यवसाय में अपना योगदान दिया है। सबसे पहले उनका हम लोग नाम जान लेते हैं, उनका नाम क्या है? विक्रम यादव। तो सर, आपने कब से इस व्यवसाय में आप काम करना स्टार्ट कर चुके थे? कितने गाय भैंस आपके पास शुरुआती दौर में थी और अभी आपके पास में कितनी गाय भैंस हैं? अरे शुरू में 4-5 ठैया रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ात बढ़ात काम धंधा कर कर बढ़ गए, अब 20-22 ठैया हमें। आपके पास 20-22 गाय भैंस हैं? हाँ। कितनी गाय और कितनी भैंस है? लगभग 2 गाय है। अच्छा, और बाकी 20 भैंसी। जब आपने पशुपालन का व्यवसाय शुरू किया था तो शुरुआती दौर में आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था? अरे बहुत समस्या रहा भैया। अच्छा। पहले चारा पानी नहीं रहा, खुरपन घास फूस छेल छेल खवाओ पिहावा जा रहा है। पहले समस्या जानते कौन रहा है जी, जी, अब तो धीरे धीरे 15-20 साल से सब गेहूँ धान पहले सब कुछ हुआ लग पहला गेहूँ धान सब कुछ हुआ, पहले कहाँ कुछ हो रहा है जी, जी, जी। अब पहले दिक्कत रहा, अब आराम मिली है मानो। अच्छा। अब 2-3 साल लॉकडाउन कोरोना हो गया, हरियाक चीज दिक्कत हो गई, अब गेहूँ के पैदा और हरियाक चीज महंगाई है, तो अब तो आराम है, उसे खरीद कर पैसा हुए सब काम होते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल आप क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं? जैसे आज आपको कई साल हो चुके हैं इस व्यवसाय में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्याएं जैसे आती रहती हैं। कई बार पशु हमारे बीमार पड़ जाते हैं, को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खुरपका मुंहपका होता है, FMD वगैरह बाकी सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अब का ऐसे ऐसा घुटुरु वाली मर चलते हैं, सावन भादम होते हैं। हाँ। और बहुत सी भैंसन खुरवाही है, अब खुटुरुआ है। हाँ। और वह बीमारी जब लॉकडाउन वाली पहले मनाइन वाली रहा है। हाँ। और वह हरान वाली है, ज्यादा भी गया 2 महीना भाई कि हरान वाली कोरोना हो गया, वह हरान वाला। हाँ। इन्हें दिक्कतियाँ इंजेक्शन वक्शन लगवाए गए हैं, सुई लगवाई गई है सब। अच्छा, अच्छा। तो आप कुछ राहत मिली, आराम मिली। तो आप सारे अपने पशुओं को टीका वगैरह लगवाते हैं? हाँ, लगवाए थे सारे टीके। हाँ, सब टीका लगवाए थे। तो भैया, जब आपने इस व्यवसाय को करना शुरू किया था, शुरुआती दौर में कई सारी समस्याएं आई थी, और आज जब आपके पास में 20-22 गाय भैंस हो चुकी हैं, उसके बाद भी आपके पास कई सारी समस्याएं आ रही होंगी। हाँ, बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई और उसका समाधान के लिए आपने कैसे कैसी कोशिशें की? अब साइड का जानवर बीमार हो गया, जिससे हाँ। चारा पानी नहीं खा रहे हैं, मेडिकल स्टोर जाओ, यो फटल ले आओ, वो फटल लाओ, वहीं और वही लाओ, खवाओ पियाओ, डॉक्टर में बुला लो, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये फेट कंपनी एक दूसरे जानकारी भाई हमका मालूम हुआ, तो फेट कंपनी की जानकारी के नंबर दें कुछ कहें, तो हमका मालूम हुआ कि पसवार है, चोकर है, पाउडर है, कुछ सामान आई तो उसका खवाले पियाने लगे, दूध में बहुत बढ़िया देने लगे, हरा सक्सेस हो चुके, हरियाली चीज़ बढ़िया, सुविधा बहुत आराम मिल गई हमका तब से। मतलब आपको ई फीड के प्रोडक्ट जब आपको पता चलें कि ई फीड के जो काऊ प्रीमिक्स है, बफेलो प्रीमिक्स है, तो ये सारे प्रोडक्ट जब आपने अपने पशुओं को देना शुरू किया, लगभग आपको कितने साल हो गए अपने ई फीड के प्रोडक्ट खिलाते हुए? लगभग 1.5 साल आपको हो चुका है। हाँ, 1.5 साल। ठीक है, तो जब से आपने ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया अपने पशुओं का, आपने काऊ प्रीमिक्स, बफेलो प्रीमिक्स, मिनरल मिक्सचर, जो भी हमारे उत्पाद थे, आपने उनका इस्तेमाल करना शुरू किया, आपके पशुओं में आपको दूध की वृद्धि दिखी और आपके पशु कम बीमार होने लगे। हाँ, ये सारी समस्याएं जो आपकी थी वो सारी कहीं ना कहीं ई फीड के प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपकी सॉल्व। तो एक सलाह जो आप अपने किसान भाइयों को, अपने पशुपालक भाइयों को, आपकी तरफ से आप अपनी क्या सलाह देना चाहेंगे? अरे पशुपालन को हरहा पालें, अपन पशुपालन करें, बढ़िया ठीक ठाक खवाएं पियावें, और यह बढ़िया है पशुपालन को, और यह सलाह देंगे कि पशुपालन के जो नियो इस फीट है इससे ज़्यादा वह है अपन सुविधा है। और जैसे यहाँ अपन देहात डॉक्टर बुला लिए तो इस फेट को का फोन करो, डॉक्टर लोग आएंगे, अपन देख सुन लेंगे, बढ़िया आपको मदद होगी, कोई सुरक्षा मिल जाएगा, आराम मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने अपना समय जो दिया हमें, आपने अपना जो एक्सपीरियंस रहा आपका ई फीड के साथ में, अपने बाकी पशुपालक भाइयों के साथ में आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं आशा करता हूँ जैसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो पाया है ई फीड के प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, ई फीड के साथ जुड़ने के बाद आपको जो सहायता मिली है, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके जो भी आप सहायता ले पा रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ करके आप जो सहायता ले पा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि यही ये सारी चीज़ें बाकी पशुपालक भाइयों तक भी पहुँच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने यहाँ पे समय दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही बहुत सारे पशुपालकों का अनुभव आपके साथ साझा करते रहेंगे कि कैसे उन्होंने ई फीड के साथ में अपनी पशुपालन की जो जर्नी है, पशुपालन का जो सफ़र है, उसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाया है। ई फीड मतलब बेहतर पोषण, दमदार जीवन।